Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are healthy, you all are fit and fine, and your studies are also going well, though it is not as you were doing in the school. जब आप school जा रहे थे उस समय से थोड़ा better तो नहीं हो रहा है पढ़ाई, लेकिन at least you all are studying. आप पढ़ रहे हैं, आप अपने डाउट्स भी पूछते हैं, दैट इज अ गुड साइन. चिल्ड्रन, इन टुडेज ईवीएस क्लास वी विल बी डूइंग चैप्टर 17, वेदर्स एंड सीजंस. यू नो दैट वी हैव बीन डूइंग दिस चैप्टर सिंस पास्ट फ्यू वीडियोस, और हमने वेदर डिस्कस किया, हमने कुछ सीजंस के बारे में डिस्कस किया. आज के वीडियो में भी हम कुछ सीजन, शॉर्ट सीजन्स को डिस्कस करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम कुछ एक्सरसाइज भी आज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, आज का वीडियो जो है का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, लेट्स रिवाइज, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर टिल नाउ. अब तक हमने क्या पढ़ा? चिल्ड्रन, वी स्टडीड अबाउट वेदर. पहले हमने पढ़ा वेदर के बारे में. First thing we studied is weather. What is weather? Weather is a condition of atmosphere at a particular time of a particular place. ये हमने जाना कि weather क्या होता है, किसी particular place में किसी particular time पर जो वहां का atmosphere का condition होता है, that is weather. Children, every day is not same. हर दिन एक जैसा नहीं होता है. Weather keeps on changing. And it change rapidly. ये थोड़ा जल्दी change होता है. Weather can change within minutes. It can change within hour. Okay, but it changes. ये बदलता रहता है. As I told you that weather is not same every day. हर दिन का मौसम एक जैसा नहीं होता. Even temperature during throughout the day is not same. जो पूरे दिन का जो temperature होता है वो भी same नहीं होता है, है ना. इवन टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस थ्रू आउट द डे. इसीलिए आपने सुना होगा मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे. न्यूज़पेपर में या न्यूज में आपने सुना होगा कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर ये था और मिनिमम टेम्परेचर ये था. मतलब दिन के टेम्परेचर में भी चेंजेस होते रहते हैं. तो जनरली जो मॉर्निंग का टाइम होता है और नाइट का टाइम होता है, उस वक्त टेम्परेचर कम होता है और दोपहर को टेम्परेचर ज्यादा होता है. तो वेदर जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में इसको हम देखते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन का देखते हैं. एवरी डे का हम चेक करते हैं कि आज हॉट है या आज कोल्ड है, कूल सा मौसम है या आज विंडी है, स्टॉर्मी है, सनी है, फॉगी है, कैसा है आज का वेदर, ऐसे बात करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट सीजन, व्हाट इज सीजन? चिल्ड्रन, सीजन इज वेदर कंडीशन, सेम वेदर कंडीशन फॉर लॉन्गर टाइम. व्हेन द वेदर कंडीशन रिमेन सेम फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, से फॉर टू और थ्री मंथ्स, इट इज कॉल्ड सीजन. जब एक जैसा वेदर कई दिन तक कंटिन्यू रहता है, इवन कई मंथ तक कंटिन्यू रहता है, तो उसको हम कहते हैं सीजन. सेम वेदर कंडीशन when continues for long time, it is called season. उसको हम season बोलते हैं. India में basically तीन तो main season है. जब हम English के उसमें देखते हैं तो three main seasons है. उसके अलावा दो हमारे पास short season भी है. Three main season में है summer season, winter season and rainy season. ये तीन हमारे main season है. उसके अलावा spring season है और autumn season भी है, लेकिन इनका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, और इसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में. हम इन्हीं शॉर्ट जो सीजन्स है उसकी बात करेंगे, बट जो हमने सीजन्स पढ़े उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. चिल्ड्रन, फर्स्ट सीजन दैट वी डिस्कस्ड वाज समर सीजन. हमने पहला सीजन डिस्कस किया था सीजन्स में. फर्स्ट वी डिस्कस्ड summer season. First season जो हमने discuss किया था वो क्या था?
समर सीजन था. चिल्ड्रन समर सीजन होता है अप्रैल से जून तक. इंडिया में समर सीजन जो होता है वो अप्रैल से जून तक होता है. ये सीजन बहुत हॉट होता है. जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली अर्थ पे आती हैं, सीधा स्ट्रेट सन रेज अर्थ पे आती हैं और हर इसलिए हमें बहुत गर्मी लगती है. इट्स वेरी हॉट सीजन एंड एवरीथिंग इज ड्राई. इस मौसम में आपको सब जगह सूखा सूखा दिखेगा. घास भी सूख रही होगी, रिवर्स भी सूखते हैं, पॉन्ड्स भी सूख रहे होते हैं. मतलब हर समय तरफ आपको ड्राई सा फीलिंग आता है समर सीजन में. फिर हमें इतनी गर्मी लगती है कि वी प्रिफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स. कूल कॉटन क्लोथ, जो सॉफ्ट कॉटन क्लोथ्स है वो हमें पसंद आते हैं बिकॉज वी फील कंफर्टेबल इन कॉटन क्लोथ्स. स्वेट को एब्जॉर्ब करता है कॉटन, इसलिए भी अच्छा लगता है और हमें कूल फीलिंग देता है, इसलिए भी कॉटन अच्छा लगता है हमें समर सीजन में. ओके, सो वी प्रिफर टू वेयर सॉफ्ट कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर एंड वी डोंट लाइक दैट स्टिकी टाइट क्लोथ्स एंड वी डोंट लाइक टू ईट फ्राइड हैवी फूड ड्यूरिंग दिस सीजन. हमें बहुत भारी खाना या बहुत फ्राइड खाना पसंद नहीं आता है. इंस्टेड वी लव टू टेक लॉट्स ऑफ लिक्विड. हमें लिक्विड चीजें लेना ज्यादा पसंद है, कूल लिक्विड चीजें. इवन वॉटर भी हमें ठंडा पसंद आता है. देन वी लाइक जूस, मिल्क शेक, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सब हमें समर सीजन में अच्छा लगता है, है ना. लेमोनेड्स वगैरह पसंद करते हैं. फ्रूट जो होते हैं वो भी जूसी फ्रूट्स हमें पसंद आते हैं, लाइक वाटरमेलन एंड मैंगोज एक्सेट्रा. ये हम समर सीजन में खाते हैं. और समर सीजन में कुछ लोग हिल स्टेशन चले जाते हैं. जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्लेन्स को छोड़कर हिल स्टेशन पे चले जाते हैं लोग समर में. तो ये सारी चीजें हमने समर के लिए डिस्कस की थी, है ना. समर सीजन में हमने ये सारा डिस्कस किया था. और हम समर में क्या करते हैं, सारा दिन हमें फैन चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए. हमेशा हैंकरचीफ पास में रखते हैं क्योंकि स्वेटिंग ज्यादा होती है तो हम अपने आप को वाइप करना होता है, पसीना पोंछना होता है. तो हम टिश्यू पेपर या नैपकिन हमेशा लेके रखते हैं, ठीक है. तो ये हमारा था समर के बारे में. और भी समर के बारे में कुछ ऐड कर सकते हैं. हम सनग्लासेस पहनते हैं, हम कैप लगाते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं, इवन अपना फेस कवर करके रखते हैं सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेज ऑफ सन. जो हॉट रेज ऑफ सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. देन वी डिस्कस्ड अबाउट विंटर सीजन. विंटर सीजन के बारे में, सॉरी, मॉनसून हमने सेकेंड डिस्कस किया था ना. मॉनसून सीजन यानी रेनी सीजन. रेनी सीजन और मॉनसून सीजन दोनों सेम होता है, ठीक है. रेनी सीजन नॉर्मली होता है जुलाई से अगस्त तक. सितंबर भी इंक्लूड हो जाता है वैसे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर बोल सकते हैं. ये रेनी सीजन है और हर तरफ हमें वेट फील होता है, गीला गीला होता है बिकॉज इट रेन्स हैविली ड्यूरिंग दिस सीजन. इस सीजन में बहुत भारी बारिश होती है. कहीं कहीं तो इतनी ज्यादा बारिश होती है कि फ्लड का सिचुएशन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है. लोगों के जो घर हैं वो टूट जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं, उनका सामान डूब जाता है, एनिमल्स डूब जाते हैं, विच इज नॉट गुड. कभी कभी बारिश इतनी ज्यादा होती है कि फ्लड का सिचुएशन होता है. कभी कभी क्या, हर साल इंडिया में फ्लड का ऐसा कंडीशन आता है. कुछ स्टेट्स में, असम, वेस्ट बंगाल और बिहार में हमेशा फ्लड का सिचुएशन, फ्लड कंडीशन हो जाता है रेनी सीजन में. इस सीजन में क्या होता है, एक हमें जब बारिश नहीं हो रही होती है उस टाइम में बहुत हॉट और ह्यूमिड फील होता है. वी फील वेरी स्टिकी, वी फील वेरी ह्यूमिड. और फिर जब बारिश होती है देन वी फील कूल, तब हमें कूल सा फील होता है. अदरवाइज वी फील वेरी स्टिकी. फिर बारिश के बाद अगर धूप निकल जाए, मान लीजिए धूप निकल जाती है, तो सन रेज में जब बारिश के बाद सनलाइट आती है तो हम कभी कभी ब्यूटिफुल रेनबोज भी देख पाते हैं इस सीजन में. बट मोस्ट ऑफ द टाइम द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड. ज्यादातर आसमान जो होता है वो बादलों से ढका होता है. सन बहुत कम दिखाई देता है रेनी सीजन में, या नहीं दिखाई देता है क्योंकि क्लाउड्स रहते हैं. और हमारे कपड़े नहीं सूखते हैं ना इस सीजन में. रेनी सीजन में कपड़े सुखाने की बहुत दिक्कत होती है.
वॉशिंग मशीन में तो थोड़ा सूखता है, लेकिन प्रॉपरली हम सनलाइट नहीं दिखा पाते हैं कपड़ों को, तो हमारे कपड़ों में इसे भी स्मेल सी आने लगती है बारिश के मौसम में, है ना। वी डोंट फील फ्रेश, वो कपड़े फ्रेश नहीं लगते हैं। लेकिन प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए रेनी सीजन बहुत अच्छा है। ऑल क्रॉप्स, ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज, दे लुक फ्रेश, वॉश्ड ऑफ जैसे लगते हैं, धुले धुले से फ्रेश फ्रेश लगते हैं। क्रॉप्स के लिए, कुछ क्रॉप्स के लिए रेन बहुत अच्छा होता है। वैसे तो हर क्रॉप के लिए रेन बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो क्रॉप्स के लिए ये सीजन बहुत अच्छा होता है। और ये हमने रेनी सीजन का कर लिया, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज आई एम रिवाइजिंग इट। देन विल टॉक अबाउट विंटर सीजन, इसके बारे में हमने क्या बात किया था। विंटर सीजन जो है बेसिकली नवंबर टू जनवरी में होता है। नवंबर दिसंबर जनवरी में काफी ठंड पड़ती है। दे आर द डिसंबर इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। नॉर्मली जो दिसंबर और जनवरी जो है वो इंडिया में इट इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द दे आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, क्योंकि हवा भी ठंडी ठंडी बहती है, इवन द एयर इज वेरी कूल, और कहीं कहीं तो बर्फ भी गिरती है, स्नोफॉल होता है, लाइक जम्मू कश्मीर में या हिमाचल में, शिमला जो प्लेस है वहां पर स्नोफॉल होता है, जम्मू कश्मीर में तो होता है, लद्दाख वगैरह में स्नोफॉल होता है। हर तरफ तेज हवाएं बहती है, ठंडी ठंडी हवा बहती है, एंड कई दिन तक कोल्ड विंड्स बहती रहती हैं, और सन रेज जो है वो डायरेक्टली अर्थ पर नहीं आते हैं, तो जब भी सन मिलता है हम सब धूप सेकने के लिए पहुंच जाते हैं सनलाइट में। वी लाइक टू सिट अंडर सनलाइट, अपने आप को वार्म फील करने के लिए, करवाने के लिए हम सनलाइट में बैठना प्रेफर करते हैं। जहां भी सनलाइट दिखती है हम वहां पहुंच जाते हैं। देन वी वेयर वुलन क्लोथ्स, हम डार्क वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, डार्क कलर के वुलन क्लोथ्स पहनना हमें पसंद आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं, हमारे बॉडी को वार्म रखते हैं। स्वेटर, पुलोवर्स, कोट, जैकेट, स्कार्फ, मफलर, देन ग्लव, सॉक्स, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे ऐसे विंटर के जो क्लोथ्स हैं वो सब हमारे निकल जाते हैं विंटर सीजन में, और जिसको जितनी ठंड लगती है उसके हिसाब से वो उतने वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। फिर घर में लोग हीटर ब्लोअर जला के रखते हैं, ब्लैंकेट यूज करते हैं, क्विल्ट्स यूज करते हैं, कुछ लोग घर में आग भी जलाते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू, जो हिल स्टेशंस होते हैं वहां पर पहले से ही फायर प्लेस बना रहता है, लेकिन नॉर्मली प्लेन्स में आपको फायर प्लेस नहीं देखते हैं, तो लोग घरों में आग जला के आग तापते हैं, विच इज नॉट वेरी सेफ। इसमें बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर, और बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ता है कहीं घर में आग न लग जाए, बहुत ध्यान रखना होता है इसका, ठीक है। बाहर लोग आग जला के उसके आजू बाजू लोग बैठकर आग तापते हैं, जिसको हम हिंदी में अलाव बोलते हैं, है ना। तो ये विंटर सीजन के बेसिकली ये सीन्स हमको दिखते हैं। फिर हमको गरम गरम खाना अच्छा लगता है, ठंडा खाना किसी को नहीं पसंद लग आता है। वी लाइक टू ईट हॉट फूड एंड वी लाइक टू टेक हॉट ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफी, सूप, ये सब हमें अच्छा लगता है पीना। देन जो इस सीजन में जो फार्मर्स हैं इंडिया में वो वीट ग्रो करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, और इस सीजन में जो हमें वेजिटेबल्स कौन कौन से मिलते हैं, बेसिकली हमको पीज, मटर मिलता है, कॉलीफ्लावर मिलता है, देन कैरेट्स, ये सब बहुत इस सीजन में हमें मिलता है मार्केट में। तो और विंटर का एक और खास बात है कि या इस समय डेज बहुत शॉर्ट होते हैं और नाइट लॉन्ग होते हैं। जैसे समर में क्या होता है, समर में डेज लॉन्ग होते हैं और नाइट शॉर्ट होती हैं, विंटर में क्या होता है, डेज शॉर्ट होते हैं और नाइट्स आर लॉन्गर, रात लंबी होती है, रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं विंटर्स में। और 21st दिसंबर इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, इंडिया में 21st दिसंबर जो है वो शॉर्टेस्ट डे होता है। तो ये हमने विंटर सीजन की बात कर ली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर सीजन, अब हम बात करेंगे स्प्रिंग सीजन की। किसकी बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट स्प्रिंग। आपने नाम सुना है स्प्रिंग सीजन का? यस,
स्प्रिंग सीजन जिसको हम हिंदी में वसंत ऋतु बोलते हैं, वसंत बोलते हैं, इसे हिंदी में वसंत ऋतु कहा जाता है। आपकी हिंदी की बुक में एक पोयम भी है ना वसंत ऋतु की, ये वही स्प्रिंग सीजन है। ठीक, और चिल्ड्रन स्प्रिंग सीजन जो होता है वो सबसे प्लेजेंट सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन इंडिया में फरवरी मार्च का होता है बेसिकली। बेसिकली फरवरी और मार्च का जो सीजन होता है वो स्प्रिंग सीजन होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है सबसे मोस्ट प्लेजेंट सीजन होता है, ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंडी होती है। इट्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना बहुत ज्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी, एकदम प्लेजेंट सा मौसम होता है, बिल्कुल खुशनुमा जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल अच्छा फील करने वाला मौसम होता है। और ये इस सीजन में जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर नए नए लीव्स आ जाते हैं, द प्लांट्स गेट न्यू लीव्स ड्यूरिंग दिस सीजन। आपको गार्डन में फ्लावर्स ब्लूम करते देखेंगे, फूल खिले हुए रहेंगे, लीव्स फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, आपको जगह जगह फूल खिलते हुए दिखाई देंगे। डेज और नाइट इक्वल हो जाएंगे, रात और दिन बराबर हो जाते हैं, न रातें लंबी न दिन लंबा, दोनों न रात छोटी न दिन छोटा, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। आपको ऐसा लगेगा ना जैसे बटरफ्लाईज, बीज, बर्ड्स, एनिमल्स, मतलब जितनी भी चीजें नेचर में है वो सब बहुत आपको हैप्पी हैप्पी से दिखेंगे। ओके, जब आप कभी किसी गार्डन या पार्क में आप देखोगे तो ये जितनी चीजें नेचर की चीजें होती है ना, बटरफ्लाईज, बीज, बर्ड्स, एनिमल्स, दे ऑल सीम्स टू बी वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दिस स्प्रिंग सीजन। मतलब इतना बढ़िया ये मौसम लगता है कि सब खुश नजर आते हैं इस सीजन में, स्प्रिंग सीजन में सबको अच्छा लगता है। तो स्प्रिंग सीजन में हमारे इंडिया में दो फेस्टिवल्स भी आते हैं, एक स्प्रिंग सीजन में आता है और एक एट द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन। कौन सा होता है? वसंत पंचमी। यस, हमारे यहाँ वसंत पंचमी मनाई जाती है विच इज इन द स्प्रिंग सीजन, जिसे कि सरस्वती पूजा भी हम कहते हैं। वसंत पंचमी का जो फेस्टिवल है वो इसी सीजन में आता है और इसे हम सरस्वती पूजा बोलते हैं। गॉडेस सरस्वती के प्रेयर किया जाता है इस दिन, इनके आइडल्स बड़े बड़े लोग लगाते हैं और पंडाल लगते हैं इसके। देन एक और सीजन आता है विच कम्स एट द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन, दैट इज होली। जो वसंत का जो लास्ट डे होता है उस दिन होलिका जलाई जाती है और उसके नेक्स्ट डे फिर होली खेलते हैं, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो स्प्रिंग सीजन में हमारे दो अच्छे फेस्टिवल्स भी आते हैं। इस सीजन में बर्ड्स जो अपना नेस्ट बनाते हैं, कुछ बर्ड नॉट ऑल बट मैक्सिमम बर्ड्स जो है वो स्प्रिंग सीजन में अपने नेस्ट बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो स्प्रिंग सीजन है ये बेस्ट सीजन होता है बहुतों के लिए, क्योंकि हर तरफ ग्रीन है, फ्लावर्स है, कलरफुल होता है। दिस सीजन इज वेरी कलरफुल, बहुत कलरफुल सीजन होता है, क्योंकि आपको हर तरफ फ्लावर्स ब्लूम करते हुए देखेंगे, फूल खिलते हुए देखेंगे, पेड़ के ऊपर नए नए पत्ते आते दिखेंगे, बर्ड्स का चर्पिंग सुनाई देगा, बर्ड्स अपना नेस्ट बना रही हैं, बटरफ्लाईज दिखेंगी, तो एवरीवेयर यू विल फील, यू विल सी अ ब्यूटिफुल साइट। तो इसीलिए इसको हम बेस्ट सीजन बोलते हैं, सबको ये सीजन अच्छा लगता है, बहुत शायद ही कोई होगा जिसको ये सीजन अच्छा नहीं लगता होगा। तो हमने स्प्रिंग सीजन के बारे में जाना, इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं थोड़े, है ना। कौन सा मंथ है? फरवरी एंड मार्च। इस मंथ में, इन दो मंथ में हमारा स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इट इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, ना गर्मी ज्यादा ना सर्दी ज्यादा। इट इज द मोस्ट प्लेजेंट सीजन ऑफ द ईयर। इट इज द
most pleasant. It is the most pleasant season of the year. Plants, they put on new leaves. Flowers bloom everywhere. Flowers bloom everywhere. हर तरफ फूल खिल जाते हैं, ठीक है। ये सब इस ये जो सीजन है उसकी पहचान है कि प्लांट्स पे नए लीव्स आ गए, हर तरफ फूल खिल गए। उसके बाद डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। और क्या बताया था मैंने कि बटरफ्लाइज बीज देन नेचर में और क्या चीजें हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स, मतलब एवरीथिंग इन नेचर एंड And everything, इसको बिठा दे ऊपर लिख देती हूँ, everything in nature seems happy, सब खुश दिखते हैं। फेस्टिवल्स तो मैंने डिस्कस ही कर लिया कि होली और बसंत पंचमी इस समय पे आता है। तो ये हमने स्प्रिंग सीजन के बारे में जाना। मंथ है फरवरी मार्च, नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, मोस्ट प्लेजेंट सीजन, प्लांट्स पुट ऑन न्यू लीव्स, फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, बटरफ्लाई बीज बर्ड्स एंड एवरीथिंग इन नेचर दे सीम्स टू बी वेरी हैप्पी। बर्ड्स दे बिल्ड देयर नेस्ट, आप ये भी ऐड कर सकते हो एक कि बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, मेक देयर नेस्ट बोल सकती हूँ, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट, ओके। तो ये हमने स्प्रिंग सीजन के बारे में जाना। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा ऑटम सीजन। नेक्स्ट सीजन इज ऑटम। नेक्स्ट हमारा है ऑटम सीजन। अब ऑटम सीजन क्या होता है चिल्ड्रन? ऑटम सीजन जो होता है वो नवंबर में, बेसिकली अक्टूबर नवंबर का सीजन होता है, अक्टूबर नवंबर। मैंने आपको बताया था कि नवंबर ठंडी का भी होता है, बट द एंड ऑफ द नवंबर, नवंबर के लास्ट लास्ट में सर्दी का मौसम आता है। बेसिकली अक्टूबर और नवंबर के टाइम में हमारा जो ऑटम सीजन होता है, इसके बीच में ऑटम सीजन आता है। अब ये सीजन में क्या होता है चिल्ड्रन? ये सीजन में विंटर स्टार्ट होने वाले थे। दीज मंथ्स आर जस्ट बिफोर विंटर सीजन, विंटर से पहले वाला ये सीजन है। तो सर्दियां अभी प्रॉपरली आई नहीं होती हैं, स्टार्ट हो रही होती हैं सर्दी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि द
leaves of many tree they fall on the ground. Leaves the trees many trees have that leaves unka fall karta hai, theek hai. During this season many trees have they shed their leaves. In fact I should say they shed their leaves. बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं इस सीजन में. मैक्सिमम ट्रीज दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस सीजन. सो आई शुड से कि इन दिस सीजन लीव्स ऑफ मेनी ट्रीज ड्राई अप. इन दिस सीजन लीव्स ऑफ मेनी ट्रीज not all but many tree dry up. पहले तो सूख जाता है और they fall on ground. dry up and fall on ground. okay, जिसको हम कहते हैं trees shed their leaves, अपने पत्ते गिरा देते हैं autumn के month में. in this season leaves of many tree dry up and fall on ground. और यह इस वक्त भी बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती. इट्स नाइदर टू कोल्ड, इट इज नॉर टू हॉट, नॉर इट इज नाइदर टू हॉट कर देंगे. इट इज नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड. बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है बिकॉज इट इज द बिगिनिंग ऑफ विंटर. ऑटम इज एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ विंटर. प्रॉपर विंटर का सीजन नहीं आ रहा है अभी. ठंडी हल्की हल्की शुरू होती है तो हमें अच्छा सा फील होता है. और आप देखोगे इस सीजन में एक और चीज आप देखने को मिलेगी. अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको दिखेगा. क्या दिखेगा आपको? लीव्स के ऊपर, प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर और ग्रास के ऊपर आपको ना पानी के ड्रॉप्स दिखेंगे. ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर. You will see droplets of water on grass and leaf. अब आप सोचोगे ये तो पानी गिराया होगा किसी ने. No. उसको बोलते हैं ड्यू ड्रॉप्स. ओस बोलते हैं, ओस की बूंद, या ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं. ओस की बूंदे वो इस सीजन में आपको लीव्स के ऊपर, ग्रास के ऊपर आपको ड्यू ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे. देर इज ड्यू ऑन लीव्स एंड ग्रास. घास के ऊपर या पेड़ों के पत्तों के ऊपर छोटे जो बुशेस, जो छोटे बुशी प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर भी आपको दिखेगा पानी के ड्रॉप्स जैसे दिखेंगे. वो उनको क्या बोलते हैं? उनको हम कहते हैं ड्यू. हिंदी में हम कहते हैं ओस और इंग्लिश में कहते हैं ड्यू. ठीक है. देन ऑटम में आप एक और चीज देखोगे, ड्राई होने से पहले लीफ के जो पत्ते होते हैं उसका कलर चेंज होने लगता है. ग्रीन है तो वो येलोइश कलर के हो जाएंगे, ब्राउन कलर के हो जाएंगे, मतलब वो ड्राई अप होना शुरू होते हैं. एंड देन दे फॉल ऑन द ग्राउंड. और फिर एक टाइम आता है विंटर से पहले मैक्सिमम ट्री के ऊपर पत्ते नहीं होते हैं, उनके सारे पत्ते गिर गए होते हैं. फिर स्प्रिंग सीजन जब आता है तो उनके नए नए पत्ते निकलते हैं, तब उनके सॉफ्ट सॉफ्ट न्यू लीव्स निकलते हैं स्प्रिंग सीजन में. तो ये हमने ऑटम के बारे में भी बात कर ही लिया. और इस तरह से हमारा जो है ये चैप्टर खत्म हो गया. ठीक है, हमारा ये जो चैप्टर है वेदर्स एंड सीजन्स ये खत्म हो गया. इसमें एक टॉपिक जो रेनबो का है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. मैंने आपको बताया था कि बारिश के मौसम में, जब बारिश के बाद धूप निकलती है, सन रेज आता है, तो हमें रेनबो देखने को मिलता है, ब्यूटीफुल रेनबो. डू यू नो हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो? यस, सेवन कलर्स. आपको रेनबो में सेवन कलर्स देखने को मिलते हैं. और ऐसा क्यों होता है, हम क्यों रेनबो देख पाते हैं? एक्चुअली जो पानी की बूंदे होती हैं आसमान में, सन रेज उनके ऊपर से आता है. ठीक है, तो सन रेज जो है वो शाइन करता है उन वॉटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर. सूरज की जो किरणें हैं वो पानी की बूंदों के ऊपर शाइन करती है,
तो इसीलिए हमको वो रेनबो दिखता है और उस रेनबो में हमें सेवन कलर्स देखते हैं। विबग्योर है ना, विबग्योर होता है ना, सेवन कलर्स कौन से हैं? बी आई बी जी वाई ओ आर, कौन से कलर है ये? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये सेवन कलर्स हमको रेनबो में देखने को मिलते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो गया और एक्सप्लेनेशन इसका ओवर हो गया, और अपने नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। आज के हम इसमें स्टार्ट नहीं किया हमने, लेकिन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।